डर नहीं लगना चाहिए भाई आ चुका है टाइम आपको दिखाने का आपने छ महीने तक मेहनत की है आपने छह महीने तक मेहनत किया कुछ कुछ लोगों ने एक साल डेढ़ साल मेहनत की हुई है और अब आखिरी टाइम आ चुका है कि भाई आप दिखा दो कि आप कौन हो ठीक है तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब एंटर करो ना ऐसे एंटर करना कि भाई आज तो तबाही मचा के आने वाले एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सौ क्वेश्चन जो डेढ़ सौ तो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ऐसे अटेम्प्ट करना है कि मैं आज यहां का राजा हूं रानी हूं ठीक है आज मैं यहां का लेवल चेक करूंगी आप कैसा पेपर बनाते हो यह होना चाहिए कल के एग्जामिनेशन के अंदर डरना वरना नहीं है डरना वरना जो छोड़ो भाई डरने वरने वाली बात बस कल एग्जामिनेशन को फोड़ के आना है ठीक है और उसी के लिए ही भाई एक आज लास्ट सेशन है आज लास्ट सेशन है आपका छे बजे और कल भी मिलेंगे हम हम कल 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 भी मिलेंग, आ, कल भी मिलेंगे 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 एग्जाम एनालिसिस के अंदर मिलेंगे, जहां पे पूरा मैं आपको डिटेल पेपर बताऊंगा वर्ड टू वर्ड बताऊंगा एग्जामिनेशन के अंदर क्या आया हुआ था ठीक है सो लेट स्टार्ट सभी के सभी स्टूडेंट्स आ जाइए एग्जामिनेशन बिफोर द एग्जाम मतलब एक हमारा छोटा एग्जामिनेशन है मिनी एग्जामिनेशन बिफोर द एग्जाम छ बजे हो रहा है दो घंटे का होगा ठीक है एनालिसिस आपको कल मिलेगा शिफ्ट वन का मिल जाएगा शिफ्ट टू का मिल जाएगा टाइम पे जुड़ जाना हिस्ट्री का एनालिसिस आठ बजे होगा लेकिन जो पेपर वन का एनालिसिस बारह बजे होना है वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा ठीक है लेट स्टार्ट आज आपका आखिरी टेस्ट है हमने मैराथन किया है जबरदस्त तरीके से जब पूरे हफ्ते पूरे महीने मैराथन किया हमने इतने क्वेश्चन सोल्व करा डाले इतने क्वेश्चन सोल्व करा डाले कि क्या तो वही एन पेपर अलग से बना लेगा मुझे बताओ अलग से पेपर बना सकता है, है इतने क्वेश्चंस कराए इतने क्वेश्चंस कराए आप लोगों को अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराए हैं अलग से क्वेश्चन कुछ बनेगा ही नहीं ठीक है तो बस आपको करना क्या है कल पेपर के अंदर जाना है कॉन्फिडेंटली पेपर देना है और क्रैक कर डालना है ये के जाओ क्रैक है जी हमारा एग्जामिनेशन ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अश्विनी सर टेस्ट बुक्स सारी इंफॉर्मेशन यहीं मिलती है लेट्स स्टार्ट रेडी हो जाओ आपको क्या करना है आज जो आपका 6 बजे वाला ये टेस्ट है उसमें दो घंटे अपने आप को टेस्ट करना है कि आप कितने सॉल्व कर पा रहे हो 100 में से कल काफी स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया था 100 में से 70 सॉल्व किए थे 75 सॉल्व किए थे 80 भी सॉल्व किए थे कुछ स्टूडेंट्स ने 86 भी था किसी का नंबर आज भी आपको ये करना है ठीक है तो आज आपका आखिरी टेस्ट होने वाला है सौ में से जितने क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे आपको आखिरी में बताना है तो रेडी हो ना सब सब रेडी हो रेडी सब ठीक है रेडी हो ना अरे आंसर भी आने शुरू हो गए भाई रेडी है बॉन रेडी चलो लेट स्टार्ट पहला क्वेश्चन सो उपारी आमला देसाई मसंद मैच कर दो मैच कर दो उपारी उपारी आमला देसाई मसंद क्या क्या दिया हुआ है कैटेगरी ऑफ टेनेंसी टेन्योर हेल्ड अंडर द मराठास

ए दिया है सबने सबने दिया है बहुत ही बढ़िया भाई तो उपारी क्या कैटेगरी ऑफ टेनेंसी टेन्योर होल्डर अंडर हो हो तो करेक्ट आंसर ए प्लीज मेक श्योर वगैरह आपको एग्जामिनेशन के अंदर आनी चाहिए सारी की सारी टर्मोलॉजी एग्जामिनेशन के अंदर आनी चाहिए आप लोगों को एक मिनट रुको बस अरे भाई चल जा यार सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने इतने आप सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो ओहो बताइए भाई सेकेंड आंसर क्या है करेक्ट आंसर है सेकंड का सी इज द करेक्ट आंसर दिख गया छोड़ते नहीं हो मौका मतलब दिख गया तो सर अभी कर डालेंगे हम अरे यार सीरियसली चल जा भाई क्यों इतने नखरे कर रहा है भाई का है इतने नखरे कर रहा है हाँ Yes, तो करेक्ट आंसर क्या है बो एंड एरो कहां पे एविडेंस मिला हुआ है बो एंड एरो का एविडेंस मिला हुआ है रमी रमी के अंदर, रमी के अंदर अंदर ये बो एंड एरो का एविडेंस मिला हुआ है तो कौन से किताब हिदुल्ला रमी ये डिस्कस करती है बो एंड एरो के बारे में धनुष और बाण के बारे में जिक्र करती है ठीक है थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देश का अधिकांश भाग अच्छी तरह से वृष्ट एवं बहुत उपजाऊ है वहां सैनिकों की संख्या ग्यारह लाख के आसपास है विजयनगर राज्य के संदर्भ में उपरोक्त टिप्पणी किसने दी है द कंट्री इज फॉर द मोस्ट पार्ट वेल फर्टाइल वेल कल्टिवेटेड माउंटेन नंबर टू लैक्स हु मेड द ऑब्जर्वेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विजयनगर स्टेट तो किसने बताया है विजयनगर एम्पायर के बारे में नुनीज ने रजाक ने निकोलोकुंटी ने बारबोजा ने तो किसने बताया हुआ है यस करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर रजाक भी आंसर तो जिसने भी सही दिया हुआ है मार्क कर लो भाई प्लस वन मार्क कर लो हालांकि एग्जामिनेशन के अंदर प्लस प्लस टू होता है अभी आप करके चलो अगर इतिहास हमें कुछ हमें कुछ सबक सिखाता है तो वह यह है कि इसका ऐतिहासिक सबक ही नहीं है इतिहास हमें कुछ नहीं मतलब एक तरह के कहने का यह है कि हमें इतिहास ज्यादा कुछ सिखा नहीं रहा है तो सबसे पहला लूसियन फावरे थॉमस फुलर आर जी या वुड e. याच

मधुरा बाय गंगा देवी डिस्क्राइब्स तो गंगा देवी द्वारा लिखित मधुरा विजयम निम्न का वर्णन करती है तो किस चीज का वर्णन करती है उसके देन तीसरा, मदुरा कौर्टो, कौर्टो किस चीज का जिक्र करती है बताइए फिफ्थ करेक्ट आंसर क्या होगा बहुत ही बढ़िया भाई जबरदस्त तो फिफ्थ करेक्ट आंसर क्या है सी कैप्चर ऑफ मधुरा बाय कंपाना कैप्चर ऑफ मधुरा बाई कंपना तो ध्यान से देखो किसके द्वारा लिखा गया है गंगा देवी के द्वारा लिखा गया है जो वाइफ थी कंपना कंपना की ठीक है तो जनरल थे विजयनगर एम्पायर के अंदर तो इसी में इसी चीज के बारे में डिस्कस किया हुआ है तेरह सत्तर के अंदर जो इवेंट हुआ था समझ गए क्या डिस्कस किया हुआ है जो तेरह सत्तर के अंदर इवेंट हुआ था किसके द्वारा डिस्कस किया गया है किसके द्वारा हिंदी के अंदर किधर गया भाई हाँ, गंगा देवी गंगा देवी के द्वारा तो करेक्ट आंसर क्या है गंगा देवी इज द दे करेक्ट आंसर नेक्स्ट पे चलो व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिलसिला इन सूफी ट्रेडिशन सिलसिला क्या मतलब होता है सिलसिला ये प्यार वाला सिलसिला नहीं है ये सूफी वाला सिलसिला है ठीक है इसको वो वाला सिलसिला मत समझना इसको सूफी वाला सिलसिला समझना तो ये आध्यात्मिक वंशावली थी जो सूफी गुरुओं की वंशावली का पता लगाती है वे सांसारिक गतिविधियों के लिए उपयोग की जाने वाली परीक्षण की विस्तृत थी तीसरा वे सूफी सभाओं के दौरान जब के लिए उपयोग किए जाने वाले पवित्र सूत्र थे चौथा वे सूफी अनुष्ठानों के दौरान किए जाने वाले नृत्य के प्रकार थे तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए तो सिलसिला क्या दर्शाता है सिलसिला क्या दर्शाता है क्या दिखाता है सिलसिला करेक्ट आंसर इस तो ये क्या है ये वंशावली है जो सू, सूफी जेनोलॉजीज होती है उसके बारे में बताता है सिलसिला इसका सिलसिला चिश्ती सिलसिला सूरहवर्दी सिलसिला ट्रेस करता है उनकी जिनोलॉजी के बारे में ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ए इज द करेक्ट आंसर सेवंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो मैरिज शादी सबसे ज्यादा क्वेश्चन शादी के ऊपर मिलते हैं अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक पूछो कि पर्टिकुलर टॉपिक आएंगे साल हो चुके हैं ठीक है तो बताओ करेक्ट आंसर क्या है तो द टाइम फॉर द मैरिज शुड बी फिक्स ड्यूरिंग द सदन मूवमेंट ऑफ द सन द ग्रूम टेक्स ब्राइड अराउंड द फायर द मैरिज राइट स्टार्ट्स विद कन्यादाना अकॉर्डिंग टू मोस्ट द मैरिज राइट स्टार्ट विद सप्तापदी ध्रुवर्धन मुन्ना वॉज ए मैरिज राइट प्रैक्टिस एट द ग्रूम्स हाउस बताइए करेक्ट आंसर क्या है बताओ जल्दी हां जी तो ग्रह सूत्र के अनुसार विवाह के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है पहला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है पहला स्टेटमेंट विवाह हेतु तो समय सूर्य के दक्षिण दिशा की ओर गमन के समय तक किया जाना चाहिए वर कन्या के साथ अग्नि के फेरे लगाता है विवाह अनुष्ठान कन्यादान के साथ आरंभ होता है अधिकांश ग्रंथों के अनुसार विवाह संस्कार सप्तपदी के साथ समाप्त हो जाता है अद्रो अनुरेधी दर्शन वर के घर पर की जाने वाली एक विवाह संस्कार की प्रथा है तो करेक्ट आंसर क्या है जल्दी बताओ भाई फटाफट जल्दी बताइए करेक्ट आंसर यहां पे क्या है पक्का सी जिनको सी पता है मतलब सब अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं है ना सारी की सारी आपको रसम वगैरह पता है मम्मी पापा से सब पूछा हुआ है जिनको नहीं पता है पूछ लेना एक बार एक बार आज डिस्कस कर लेना की मम्मी से कि एक शादी वादी की रस्म के बारे में बता दो तो आपकी मम्मी हैरान रह जाएंगी कि, अरे भाई इसको शादी की रस्म से क्या लेना देना तो <laughs> कह देना कि एग्जामिनेशन के अंदर आता है कभी वो लड़का ढूंढना शुरू कर दें ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है ये बोल रहा है कि मैरिज राइट तो कन्यादान के साथ स्टार्ट होती थी वही गलत हो जाता है क्योंकि मैरिज राइट ही कन्यादान के साथ खत्म होती है तो ये करेक्ट आंसर क्या है सी इज द करेक्ट आंसर नदन मूवमेंट सदन मूवमेंट दिया हुआ है नदन मूवमेंट है बाकी सारी ठीक है तो बी डी ई तीनों स्टेटमेंट ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो जाता है सी इज द करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ और एग्जामिनेशन से पहले अगर शादी के बारे में बात करोगे तो थोड़ा क्या पता उनका ये हो जाए कि भाई इसका तो पेपर नहीं हो रहा है इसको तो शादी करनी है हाँ बताइए करेक्ट आंसर क्या है आठवा क्वेश्चन तो ऑफ इज़ नॉट करेक्ट कौन सा गलत है आ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस थे उसके जस्टिस होते उसके साथ 28 होते सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनलिट दोनों होती है तीसरा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है दोनों हाउस जो होते हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं ठीक है एंड सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन होता है ट्रांसफरबल uh, वोट होता है फंडामेंटल ड्यूटीज का

औरीजनल, औरीजनल इन सेंस कि सबसे पहले के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा जाएगा क्या होता है 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 नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो है सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों है, ऐसे होते हैं आप जितने होगी सबको दोगे आप लेकिन प्रोपोर्शनल दोगे कि उसको मैं पहले दे रहा हूँ उसको उसको थर्ड उसको फोर्थ तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज किससे से बोरो किया था किससे बोरो फंडामेंटल ड्यूटी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में किससे बोरो किया था डीपीएसपी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है स्टेट पॉलिसी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से किए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर भी आ सकता है किससे बोरो किया हुआ है किससे बोरो किया हुआ है बताइए अरे ये रिसेंटली पूछ रहा है भाई ये ये नहीं पूछ रहा कि उस टाइम कितने थे ये 1950 इसने क्वेश्चन के अंदर नहीं डाला हुआ है इसने 1950 क्वेश्चन के अंदर नहीं डाला हुआ है तो इसको ऐसे मत अज्यूम करके चलना कि 1950 का पूछ रहा है ये ठीक है ऐसे तो यहां पे 1976 पूछा हुआ है उसने बताओ डेथ ऑफ मोतीलाल नेहरू डेथ ऑफ लला लाजपत राय यस किसने दिया यूएसएसआर बहुत ही बढ़िया रशिया यूएसएसआर नेक्स्ट क्वेश्चन डेथ ऑफ मोतीलाल नेहरू लला लाजपत राय सी आर दास रविंद्रनाथ टैगोर बताइए करेक्ट आंसर्स क्या है फटाफट बताओ हाँ जी हो गया यहां पे इनकरेक्टली पूछा हुआ है करेक्टली नहीं पूछा हुआ है एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले यही देख लेना गलत कौन सा सुम्मिलित है गलत तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर बी सी सी दे रहे हो सारे लोग सारे लोग सी दे रहे हो बी इज द करेक्ट आंसर तो ये दोनों गलत है मोतीलाल नेहरू 1931 देन उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर 1941 ये दोनों बिल्कुल ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है बी इज द करेक्ट आंसर ये 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 उसके अंदर जाएगा अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको मैं पॉजिटिव के अंदर काउंट कर लेता हूं प्लस वन काउंट कर लेता हूं नहीं भाई ये आपको जीरो के अंदर काउंट करना है याद है ना अगर एग्जामिनेशन के अंदर आप गलत क्वेश्चन दे दो भले ही आपको वो आता हो नेगेटिव के अंदर ही काउंट होता है जीरो के अंदर ही काउंट होता है वो ये नहीं सोचता एग्जामिनर की भाई अच्छा 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 इसने सही दे दिया है तो मैं इसका सही काउंट कर लूँ तो अभी जो आप नोटबुक के अंदर लिख रहे हो ना इसको आपको जीरो के अंदर काउंट करना है कि मैंने ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इमीजिएट इंडिपेंडेंस क्रिप्स मिशन इंटरन गवर्नमेंट बनी थी मास मोबिलाइजेशन एंड पार्टी एंड पार्टिसिपेशन आउटकम क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का बताइए करेक्ट आंसर क्या है बताइए करेक्ट आंसर इज मास मोबालाइजेशन देखो इमीजिएट इंडिपेंडेंस तो कोई पॉइंट फोर्टी टू के अंदर क्रिप्स मिशन तो पहले ही आ गया था इंटरम गवर्नमेंट तो बहुत में बनी थी ठीक है तो बचा क्या मास मोबालाइजेशन लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया तो करेक्ट आंसर क्या है डी इज द करेक्ट आंसर

बताइए करेक्ट आंसर क्या है हाँ जी तो कौन सा गलत है गलत कौन सा है गलत है चौथे वाला डी इज द करेक्ट आंसर एम ऑफ द मुस्लिम लीग रिवेंजफुल अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इवन मैंने सैयद अहमद खान के बारे में बताया हुआ था मुस्लिम लीग भी ऐसे ही है मुस्लिम लीग लॉयलिटी दिखाना चाहता था अंग्रेजों की तरफ

भारत में पहली टेक्निकल रंगीन फिल्म कि झांसी की रानी का निर्माण किसने किया था मूवी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर मिलेंगे मूवी बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन के अंदर मिलेंगे हंड्रेड परसेंट मिलेंगे चैलेंज का ऑप्शन आपके पास है जैसे ही सेशन ओवर होगा आप क्वेश्चन चैलेंज कर, तो कर सकते हैं ठीक है तो आप चैलेंज कर सकते हैं चलिए जल्दी बताओ सो करेक्ट आंसर सोरा मोदी तो झांसी की रानी किसने प्रोड्यूस की है सोराम मोदी ने प्रोड्यूस की हुई है याद रखिएगा मूवी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन के अंदर मिलेंगे लेकिन घबराना नहीं आपको देख के सोचना ही किसी ने किसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टींथ विच दी स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्वराज बताइए बताइए करेक्ट आंसर क्या है स्वराज पार्टी वॉज फॉर्मड इन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री बाई मोतीलाल सी आर दास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द बैनर ऑफ काउंसिल एंट्री रिगार्डिंग नो चेंजर वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट्रेट असेंबली स्वामी अयंगर बिकेम देंटी टी बी सप्रूव लीडर ऑफ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन करेक्ट आंसर क्या है हिंदी के अंदर भी देखो जल्दी फटाफट किसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन है स्वराज पार्टी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन है पहला स्टेटमेंट मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी दूसरा असहयोग आंदोलन के पतन असफल होने के बाद स्वराजियों ने अपरिवर्तन कार्यों के विरोध के बावजूद परिषद प्रवेश के बैनर को उठाया वल्लभ भाई पटेल ने केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बन गए ए रामस्वामी अयंगर गृह समिति का सदस्य बन गए टी बी सप्रू इंडियन लिबरल फेडरेशन के सदस्य बने थे बताइए करेक्ट आंसर क्या है बताइए हिंदी के अंदर एक मिनट हिंदी के अंदर कुछ दिक्कत है ए बी सी ए बी डी ए ई ए बी डी ई ए बी डी ए बी सी पहला है ए बी सी हिंदी के अंदर देख लो भाई ए बी सी ए बी डी ई और तीसरा क्या है तीसरा क्या है ए ई ए बताओ फटाफट बताइए करेक्ट आंसर यहां पे क्या है सबने मार्क कर लिया सबने कर लिया करेक्ट आंसर है यहां पे देखो ध्यान से देखो यहां पे विठल भाई पटेल थे तो सी गया सी गया ठीक है उसके बाद इमी रामा स्वामी अंगर जो थे हाउस कमेटी के मेंबर नहीं बने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो थी उसके मेंबर बने थे तो ये गलत हो गया ये गलत हो गया सी डी गलत हो गए सी गलत डी गलत डी गलत तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है सी इज द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर समझ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 के अंदर जो गया सेशन कौंग, आ, का हुआ था, सेशन कांग्रेस का एनुअल हुआ था 1922 के अंदर उसके बाद देन चित्रंजन दास नरसिम्हामन केलकर एनसी केलकर मोतीलाल नेहरू ने फॉर्म किया था और दो लोग जुड़े हुए थे हुसैन सैयद सुरावर्दी सुभाष चंद्र बोस विथल भाई पटेल नेक्स्ट पे चलते हैं शिवाजी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा

हाँ जी शिवाजी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन है हंड्रेड परसेंट आएगा ठीक है देख लो भाई क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है शिवाजी ने अपने अधिकारी कृषकों को दा, दिन में दो बार पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया शिवाजी ने बैल एवं कृषि उपकरणों को खरीदने होती। बिना ऋण के तगाई कही जाने वाली अग्रिम राशि को उपलब्ध कराया शिवाजी ने कृषकों को अपने ऋण से आठ से दस वर्षों तक तो अदा करने की रियायत दी शिवाजी ने राजस्व का संग्रहण केवल लगद के रूप में किया था यह सूचना शिवाजी द्वारा रामोजी के लिखे पत्र में दी जाती है तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है क्या है वही करेक्ट आंसर जल्दी बताओ देखो सिंपल सी बात है ये मैं आपको एग्जामिनेशन के अंदर भी बता रहा हूं अगर ऐसे स्टेटमेंट एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं तो वो गलत होते हैं जैसे कि सी देखो ये बोल रहा है केवल कैश के अंदर कलेक्ट करते थे ज्यादातर रूलर जो थे वो काइंड और कैश दोनों लेते थे तो ये गलत हो गया एक ही स्टेटमेंट से आपका पूरा आंसर निकल के आ गया सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है शिवाजी हां किसानों को दिन में दो बार फूड भी प्रोवाइड करते थे तगाई लोन को इंटरेस्ट नहीं देना वो भी देते थे ठीक है कंसेशन भी दिए हुए थे इवन आठ से दस साल कंसेशन दिया होता था उसके बाद रीपे कर देना ओके ये इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है रामोजी शिवाजी के द्वारा जो लेटर लिखा गया था रामो जी के लिए उनसे मिलती है अब देखो क्वेश्चन देखो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फिर उसके बाद आंसर देना तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलीजियस डाइवर्सिटी ड्यूरेट दिल्ली सल्तन काल के दौरान नहीं, है? तो कौन सा सटीक नहीं है, आपको बताना है कौन सा सटीक नहीं है अब स्टेटमेंट को देखो ठीक है पहला क्या बोल रहा है इलतुदिशासन के तहत इस्लाम में रूपांतरण को प्रोत्साहित किया गया था लेकिन गैर मुसलमानों के बड़े पैमाने पर अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने की अनुमति थी एफएसटी एस टी फिरोज अदुलक जो अपने रूढ़ीवादी विचारों के लिए जाने जाते हैं ने गैर मुस्लिम धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाए और नए हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया तीसरा अप्रत्याशित स्वभाव के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की नीति असंगत थी जो सहनुता और दमन के बीच झूल रही थी चौथा अलाउद्दीन खिलजे एक मुस्लिम शासक होने के बावजूद हिंदू मंदिर निर्माण और हिंदू धार्मिक आयोजनों के प्रयोजन के प्रति अपने महत्वपूर्ण समर्थन के लिए प्रसिद्ध था के अंदर क्या बताना है कौन सा गलत है कौन सा गलत है अब बताओ कौन सा गलत है ध्यान से देखना हां जी तो गलत है चौथे वाला चौथे वाला गलत है भाई आप देखो एक एक क्वेश्चन एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो इलतुतमिश के शासन के तहत इस्लाम में रूपांतरण को प्रोत्साहित किया गया था लेकिन गैर मुसलमानों को बड़े पैमाने पर अपने धर्म का सिंपल नॉर्मल स्टेटमेंट पूछ रहा है भाई प्रमोट कर रहा था लेकिन कन्वर्जन नहीं हुआ इतना ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ओके देन दूसरा एफएसटी के बारे में ऑर्थोडॉक्स था कंजर्वेटिव था बिल्कुल ठीक है एफएसटी के बारे में तो बच्चे बच्चे को पता है भाई कैसे था कंजर्वेटिव था बिल्कुल ठीक है जैसे सिकंदर था वैसे भी रोषदू लगता बिल्कुल ठीक है देन तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक इब्ने बतूता क्या बताता है? ये बताता है है ये कि एक हफ्ता भी नहीं जाता जब ये किसी सूफी को किसी उलेमा को पकड़ पकड़ के उसकी दाढ़ी नहीं नोच रहा है है ना तो एक हफ्ता भी नहीं जाता यहाँ पे यही तो जा रहा है। यही तो तो पूछा पूछा जा जा रहा रहा है है कि उसकी नीति कैसी थी सरणता वाली भी थी और दमन की भी नीति उसके बीच में वजूल रहा था समझ में आया एंड चौथे वाला क्या बोल रहा है कि अलाउद्दीन प्रमोट कर रहा है कि बनाओ निर्माण करो ऐसा भी नहीं था भाई ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया ऐसा भी नहीं था हालांकि अलाउद्दीन ने शहर के रेस्पेक्ट में यह कहा हुआ है काजमुद्दीन से डिस्कशन के साथ कि मुझे रूल करना है मेरे हिसाब से रूल करना है लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसा भी नहीं था कि वो प्रमोट कर रहा है कि चलिए बनाइए नहीं भाई ये गलत हो जाता है ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो कानून हिमायु तारीख अकबरी जफरनामा नामा मिरात आलम आरिफ कादरी कोदा मोहम्मद बख्तियार खान अली बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका हिंदी के अंदर भी देखो कानून मायू तारीख अकबर जफरनामा मीरा आलम आरिफ मोहम्मद बख्तियार खान अली यजदी बी सी बी सी डी बी आर ए रह गया बस सारे बता दो आप लोग हाँ सारे बता दो बचा क्या सारे तो बता दिए आप लोगों ने बताओ भाई अरे एक तो बताओ सारे आंसर बता दिए डी इज द करेक्ट आंसर सबसे पहले देख लो क्या क्या है

ध्यान से पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है अर्लियर द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड हैज बीन टुवर्ड्स ईस्ट एशिया इंपॉर्टेंट एलिमेंट बिहाइंड चेंजेस वाज द द क्राइसिस व्हिच इंडियन एंपायर ऑफ द मुगल्स ठीक है ट्रेडिशनल सेंटर ऑफ ट्रेड सफर्ड कंसीडरेबल लॉसेस कस्टम रिकॉर्ड ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दिस रिगार्ड मद्रास बॉम्बे एंड कलकत्ता इमर्ज्ड एज न्यू सेंटर ऑफ ट्रेड 18 सेंचुरी में जो ट्रेड की डायरेक्शन थी वो किसकी तरफ थी ये पूछ रहा है क्वेश्चन ठीक है ट्रेड की डायरेक्शन किसकी तरफ थी हिंदी भी देखो इसका ध्यान से देखिए हिंदी भी देखिए अच्छा दीप्ति गुड इवनिंग कितना मिनट हो गया भाई आधा घंटा लेट हो गया आधा घंटा एग्जामिनेशन के अंदर आओगे तो एंट्री दी जाएगी हाँ मुझे बताओ अब आप ऑलरेडी अट्ठारह क्वेश्चन लेट हो ऑलमोस्ट बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज सी इज़ करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर तो सबसे पहले देखो ये बोल रहा है कि ओरिएंटेशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड हैज बीन टुवर्ड्स ईस्ट एशिया ईस्ट नहीं वेस्ट था वेस्ट एशिया की तरफ था ज्यादातर ट्रेड जो होता था उधर की तरफ होता था तो ये हो गया गलत देन दूसरा क्या बोल रहा है आ, हाँ, क्राइसिस आना शुरू हो गया था भाई देखो मुगल एम्पायर तो डाउन हो ही रहा था एंड जो ट्रेड की डायरेक्शन थी वो भी चेंज होनी शुरू हो गई थी तो ये हो गया बिल्कुल ठीक देन उसके बाद कहां पहुंचते हम ट्रेडिशनल सेंटर्स लॉसेस सफर कर रहे थे बिल्कुल ठीक है मुगल एम्पायर रहा था सेंटर्स भी सफर कर रहे हैं कस्टम रिकॉर्ड कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते गलत स्टेटमेंट है ठीक है तो कस्टम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कंसिडरेबल अरे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सॉरी ये एक्सैक्टली राइट स्टेटमेंट है एंड लास्ट में बॉम्बे मद्रास कैलकटा इमर्ज देखो अब इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताता ने ने कैसे दिया था? NTA ने कैसे दिया दिया था, था, ये बोलता है कि कस्टम रिकॉर्ड ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइडल इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड और उसने एनटीए ने यह माना कि एक्चुअली इंफॉर्मेशन नहीं देता है ठीक है लेकिन ये इंफॉर्मेशन देता है तो समझो देखो क्वेश्चन को अगर कस्टम कस्टम रिकॉर्ड है वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो कौन से रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन देंगे आप मुझे बताओ तो नॉर्मल सी बात है अगर कस्टम रिकॉर्ड नहीं देंगे तो कौन से रिकॉर्ड है जो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे अगेन वही एनटीए जो होता है वही वो, वो अपनी स्टेटमेंट पे हट जाता है कि भाई हम तो नहीं हम तो नहीं हटने वाले ठीक है तो कस्टम रिकॉर्ड इंडियन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यस करते हैं वही तो मैं बोल रहा हूं करते हैं लेकिन एनटीए ने नहीं माना ठीक है आपको कुछ ना कुछ चीजें हमेशा प्रॉब्लमैटिक लगती है कि एनटीए जो आंसर की देता है उसमें ये भी प्रॉब्लमैटिक था इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर जो है सी आया था अदरवाइज इसका आंसर क्या आता डी आता समझ गए ना समझ गए ये होता है एनटी के साथ हमेशा यही होता है तभी मैं स्टूडेंट से ये बोलता हूं कि जब आपको आंसर की चैलेंज करनी होती है ना भरी मात्रा में चैलेंज करो मतलब सारे लोग बढ़ चढ़ के आंसर करो तभी होगा ठीक है मतलब जब सारे लोग आंसर करोगे ना उनको सारे लोग मेल करोगे तब जाके वो वो आंसर की चेंज करते हैं अदरवाइज अगर दो तीन स्टूडेंट बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है कस्टम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो कौन प्रोवाइड करेगा आप ये बताओ कवि प्रिया भूषण देन मृगावती चंदायान कुशव दास भूषण त्रिपाठी बताइए बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा अरे रॉन्ग माना भाई रॉन्ग माना जो आपका डी था उसको माना। इतनी देर से बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं मैं फिर भी पूछ क्या माना आखिर शिवराज भूषण मृगावती चंदायान कुतबन हो गया मौलाना दाऊद हो गया केशव दास हो गया भूषण त्रिपाठी हो गया मैच कर दो फटाफट मैच कर दीजिए जी जल्दी मैच करो फटाफट बिल्कुल सही है बी इज द करेक्ट आंसर सबसे पहले हम कहा है? पहुंचते हैं कवि प्रिया पे कवि प्रिया केशव दास शिवराज भूषण भूषण त्रिपाठी देन मृगावती मृगावती किसके द्वारा कुदबन एंड मौलाना दौड़ चंदायान तो करेक्ट आंसर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो कुर्बानी पिक्चर कब रिलीज हुई थी बताओ भाई जल्दी कुर्बानी पिक्चर कब रिलीज हुई थी ओके तो पिक्चर के ऊपर क्वेश्चन तो आएगा ही 1977 1978 1979 देन उसके बाद 1980 कुर्बानी पिक्चर रिलीज हुई थी 1980 में ठीक है एंड इसके अंदर कौन-कौन लोग थे किस-किस ने डायरेक्ट किया था फिरोज खान ने इसको डायरेक्ट किया था प्रोड्यूस किसने किया था एफ के इंटरनेशनल ने इसके अंदर कौन-कौन लोग थे फिरोज खान थे जीनत अमान थे विनोद खन्ना थे अमजद खान थे

बताइए। बताइएंटिन्यूएशन so, बोल रहा है कमल इलेक्टोरेट का ये बोल रहा है कि उन्होंने कहे कमल इलेक्टोरेट की नहीं करेंगे अरे इसका तो कॉन्टिन्यूएशन कहा था उन्होंने तो ये तो हो जाता है गलत डायरारकी को अबॉलिश करने के लिए कहा हुआ था ठीक है फेडरेशन को बढ़ाने ये कहा था फेडरेशन बनाइए देन उसके बाद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी दीजिए बस ये गलत हो जाता है

करेक्ट आंसर गया इसका तो मुगल सा, मुगल जो स्थापत्य कला विवाद है विविध तत्वों से सुंगम के, के विशिष्ट है उसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है ध्यान से देखो क्वेश्चन को सो करेक्ट आंसर यहां पे क्या है जो एन ने आंसर दिया था वो था डी डी दिया था उन्होंने लेकिन हम इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं इस क्वेश्चन का कैसे देखो मैंने आपको कल ही पढ़ाया था फतेहपुर सिकरी के बारे में फतेहपुर सिकरी के अंदर आपको आरक्ट भी मिलता है और उसके बाद ट्रीबायोटिव मिलता है आर चीज भी मिलती है डोम भी मिलती है और लिंटल भीम भी मिलता है ठीक है तो आरक्ट भी मिलता है एंड ट्रीबायोटिव मिलता है ये उन्होंने गलत मान लिया पता नहीं क्यों गलत मान लिया भाई क्या खा के बैठा हुआ था एग्जामिनर ठीक है इसको तो मैं गलत मान रहा हूँ कुछ और था हाँ पता नहीं क्या था अरे आर्क्यूट ही तो था सबसे ज्यादा आर्क्यूएट ही था भाई और क्या था ठीक है मतलब क्या खा के बैठा हुआ था एग्जामिनर मेरे को समझ ही नहीं आया ठीक है इसको उसने गलत मान लिया और उसने डी आंसर दे दिया हालांकि ये सही है तो ई सही है बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट क्या पहला स्टेटमेंट सही है बिल्कुल ठीक है आर्स जो सल्तनत काल में आ गए थे उनको मुगल के अंदर अडॉप्ट किया गया था बिल्कुल ठीक है प्रोविजनल स्टैंड जो प्रांत के अंदर थे उनको उनका भी पार्ट बनाया हुआ था बिल्कुल ठीक है सेंट्रल सेंट्रल एशियन 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 साउथ साउथ ईस्ट ईस्ट स्टाइल ये हटा हटा दो स्टेशन दो तो इस वजह से सी वाला गलत हो गया चौथा चौथा बोल रहे हैं पहले फतेहपुर सीकरी से ब्रिलियंट आर्किटेक्चर अरे क्या इसमें तो कुछ पूछ नहीं रहा देखो डी स्टेटमेंट में वो कुछ नहीं पूछ रहा बोल रहा है कि फतेहपुर सीकरी बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर था अरे कौन मना कर रहा है भाई कोई कोई नहीं मना कर रहा हाँ भाई था बढ़िया था कोई दिक्कत नहीं है ए बी डी ही होना चाहिए था एबीडी कहीं दिया ही नहीं हुआ है ठीक है तो करेक्ट आंसर अभी के लिए डी है उनके हिसाब से चले तो भाई ठीक है नेक्स्ट पे चलो भाई नेक्स्ट पे ब्रहस्पति गोविंद 3 बेटा वन सुमेशिमा वंचू दन राष्ट्रकुटास का कत्याज पल्लवज करकुत्ता से मैच करना है बताइए बृहस्पति गोविंद थर्ड बेटा एंड शिमा विष्णु देखो बढ़िया बढ़िया नाम है अपने बेटे का नाम बेटा ही रख देना <laughs> हिंदी के अंदर देखो बृहस्पति गोविंद थ्री बेट वन उसके देन उसके बाद सिम विष्णु देन राजुट्टा कत्तिया, पल्लवा एंड करकोत्ता करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर तो सबसे पहले किस पे पहुंचोगे सबसे पहले अरे सिंपल इसे क्रैक हो जाएगा गोविंद थर्ड राजकुटा इसे क्रैक हो जाएगा बी दिया है सबने सबने बी दिया है बढ़िया भाई तो देख लो बृहस्पति किससे जुड़े हुए हैं बृहस्पति करकुत्ता से हो गए गोविंद थर्ड राजकुटा से हो गए देन आ, बेटा किससे हो गया पल्लवा से हो गया सॉरी से हो गया एंड सीमा पल्लवा से हो गए तो करेक्ट आंसर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो नवरत्ना अर्गटा वापी हट्टा इसको मैच करना है भूमि माप की इकाई से सिंचाई का फारसी पहिया एक छोटा टैंक एक आवधिक बाजार बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या है

एक सैन्य संगठन एक राजनीतिक दल एक धार्मिक इकाई तो क्या बन गए बन गए एक शक्तिशाली कॉलोनियल पावर एक क्षेत्रीय शक्ति व्यापार करने के लिए आए हुए थे पैसे कमाने के लिए आए हुए थे लेकिन इतनी पैसे लगाने की लत लग गई कि भाई साम्राज्य स्थापित कर दिया उन्होंने यहां पे ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आंसर हेमचंदी दिलीप चक्रवर्ती देन एच डी सांक लिया जे गोंडा मैच करना है किससे इंडियन आर्कोलॉजिकल स्टडी प्री हिस्ट्री एंड प्रोटोस्ट्रीन इंडिया एंड पाकिस्तान आस्पेक्ट्स ऑफ अर्ली विष्णुविजम मटेरियल्स फॉर द स्टडी ऑफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द सेक्ट मैच कर दो फटाफट भाई भाई आईओप सबके बुक्स एंड ऑथर याद हो गए होंगे बुक्स एंड ऑथर्स याद हो गए ना एक बड़ा सेशन लिया था मैंने बुक्स एंड ऑथर्स को लेके भी एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे आएंगे बुक्स एंड ऑथर्स सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है अरे बी है भाई ए दिए जा रहे हो ए दिए जा रहे हो बी है कुछ कुछ लोग बी ए भी दे रहे हैं बी इज आंसर तो सबसे पहले हेमचंद राय चौधरी ने क्या लिखा हुआ है

तो मेवाड़ की और मुगल्स की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए बता दो जल्दी फटाफट जहांगीर ने प्रिंस परवेज़ को भेजा अगेंस्ट राणा राणा ऑफ़ 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 मेवाड़। मेवाड़ मेंशन करते हैं सबमिशन के अमर सिंह टू सन करण सिंह थाउजेंड सवार जहांगीर अलायंस विद द मेवाड़ स्टेट बताइए हिंदी के अंदर भी देखो तो राज्य रोहन के बाद जहांगीर ने मेवाड़ पर नियंत्रण को अधिक करने और मजबूत करने का प्रयास किया था अब बताओ उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन जहांगीर ने राजकुमार परवेज को मेवाड़ के राणा के विरुद्ध भेजा जहांगीर ने तुजु के जहांगीर में मेवाड़ के राणा के द्वारा अधीनता स्वीकार करने का उल्लेख किया मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने अपने पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में भेजने हेतु सहमति व्यक्त की करण सिंह को जहांगीर द्वारा हजार जात हजार सवार का मंस प्रदान किया गया था एंड जहांगीर ने मेवाड़ राज्य के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाए बताइए करेक्ट आंसर क्या है

अकबर क्यों नहीं अकबर क्यों नहीं कंट्रोल कर पाया क्योंकि वो पर्सनली सबमिट करने के लिए बोलता था कि पर्सनल सबमिशन होना चाहिए पर्सनली आगे सबमिट करो जहांगीर बोलता है कोई बात नहीं आप उधर से ही मेरे को इंस्टाग्राम पे रील भेज देना बस हम समझ लेंगे कि हम दोस्त बन गए ठीक है तो इंस्टाग्राम की रील भेज दो बस मेरे को या यूट्यूब का शॉर्ट भेज दो तो, तो उसने भेजनी शुरू कर दी जहांगीर ने कहा बहुत ही बढ़िया अब हम दोस्त हैं तो पहला बिल्कुल ठीक है एक मिनट डी ई गलत हो जाता है डी गलत डी गलत डी गलत तो करेक्ट आंसर क्या है डी इज द करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर समझ गए भाई समझ गए समझ गए है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गॉड ऑफ के रिस्पेक्ट में कौन सा क्वेश्चन सही है बताइए Which of the following is correct regarding the Gaudiya Vaishnavism. It was a mystical movement led by Saint Chaitanya. The movement obtained its name from Gowad, the 16th century capital of the independent kingdom of Bengal. Gaudiya Vaishnavism was dedicated to the worship of Ram as the incarnation of Vishnu. The movement started by Chaitanya was further developed by the Goswamis of Vrindavan. Raja Man Singh patronized Gaudiya Vaishnavism temple in Vrindavan. जल्दी देखो हिंदी के अंदर भी करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ये बोल रहा है कि क्या क्या बोल रहा है भगवान विष्णु बोल रहा है कृष्णा 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 हरे कृष्णा ठीक है तो ये हटा दो बस ये हटा दो बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है सी 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 गया करेक्ट आंसर क्या हो जाता है बी इज द करेक्ट आंसर चैतन्य याद रखना भाई वैष्णविज्म से जुड़े हुए थे ठीक है पहला स्टेटमेंट तो बेसिक ही है तो तीनों स्टेटमेंट ठीक होंगे ठीक है दूसरा देखो गॉड बंगाल के अंदर बिल्कुल ठीक है तीसरा जो है राम गलत हो गया कृष्णा ये गलत हो गया एंड फर्दर वृंदावन के अंदर राजा मानसिंह भी उसके पेटरनाइजर थे बाकी सारे ठीक हैं करेक्ट आंसर की तरफ कहां पे चले बी नेक्स्ट 28 1919 के अधिनियम में प्रावधान था कि अधिनियम के 10 वर्ष बाद इसके कामकाज पर रिपोर्ट देने के लिए एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया जाएगा इस आयोग का नाम क्या था 10 साल बाद आएगा ये लेकिन वो पहले ही आ गया वो क्या था हाँ क्या था जिसको कहा गया था 10 साल बाद आना लेकिन वो पहले ही आ गया कौन था भाई वो कॉर्नवेलिस कमीशन इंडियन ग्रेजुएटरी कमीशन वेलेसली कमीशन देन मॉन्टफोर्ड कमीशन बताओ ये था इंडियन स्टैचुएटरी कमीशन भाई इंडियन स्टैचुएटरी कमीशन इंडियन स्टैचुएटरी कमीशन एक तो वेलेसली कमीशन दे रहा है हाँ इधर कहां से आ गया भाई वेलेसली 1919 के अंदर वेलेसली कहां से आ जाएगा हाँ ये वेलेसली 1919 के अंदर कहां पे आ जाएगा मुझे बताओ जो भी आप सी दे रहे हो जितने लोगों ने सी दिया है वो कैसे आ गया यहाँ पे

स्मिथ Smith Committee was given gave its recommendation in 1929. नाइन बैबिंगटन Smith Committee was for the purpose of providing फेमिन relief. बताओ भाई हिंदी देखो जल्दी बढ़ा बट रमेश चंद्रथ के ऊपर क्वेश्चन है उन्होंने जो लेटर लिखे हुए थे किसको लेटर लिखा था ओपन लेटर लिखा था लॉर्ड गर्जन को ठीक है औद्योगिक आयोग में गठित हुआ था में उसकी रिपोर्ट आई थी औद्योगिक आयोग की रिपोर्ट का महत्वपूर्ण भाग सकारात्मक राज्य कार्यवाही की वकालत करते हुए पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखा गया एक नोट था बैविंगटन स्मिथ समिति ने उन्नीस में अपनी सिफारिश की जमा की थी देन उन्नीस सौ बैविंगटन स्मिथ कमिटी अकाल राहत प्रदान करने के प्रयोजनार्थी गठित की गई थी बताइए अगर आंसर क्या है So, खिरी के दो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि बैविंगटन स्मिथ कमेटी रिपोर्ट इन चीज से जुड़ी हुई नहीं हुई थी बैविंगटन स्मिथ कमेटी आई थी 1919 के अंदर क्लिम्सफोर्ड के टाइम पर किससे जुड़ी हुई थी करण से जुड़ी हुई थी बाकी सारे ठीक हैं समझ गए सिंधखेड़ की लड़ाई उदगीर की लड़ाई मोटी तलाव की लड़ाई देन बैटल ऑफ भोपाल क्या करना है मैच करना है क्या करना है मैच करना है सिंधखेड़ का युद्ध उदगीर का युद्ध मोती तलाव का युद्ध भोपाल का युद्ध मैच कर दो फटाफट अरे ए कहा से हो गया ए ही तो नहीं होगा गड़बड़ कर ले रहे हो भाई ए नहीं होगा बी होगा बी इज द करेक्ट आंसर तो सिंधगेड की लड़ाई सिंधगेड की लड़ाई होगी सत्रह के अंदर उदगीर की लड़ाई सत्रह साठ के अंदर मोटी तलाव सत्रह के अंदर एंड आखिरी में भोपाल के युद्ध सत्रह के अंदर तो करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तनब का मतलब क्या होता है मुगल काल में तनब का क्या मतलब है सबसे छोटे आकार का राजस्व मंडल माप की एक समान मध्यमाकार की इकाई बांस की हड्डियों के को लोह के चलने से जोड़कर बनाया जाने वाला एक उपकरण तेन चौथा एक रजिस्टर जिसमें कृषकों उनकी भूमि और निर्धारित राजस्व के बारे में जानकारी होती थी तो तनब का क्या मतलब है जल्दी बताओ

बंदोबस्त ने जमींदारों द्वारा भुगतान किए जाने वाला राजस्व राजस्व स्थायी रूप से तय कर दिया था देन दूसरा क्या बोल रहा है जमींदारों को उच्च निश्चित राजस्व का भुगतान करना कठिन लगता था बताइए थर्टी टू करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर दोनों स्टेटमेंट ठीक है परमानेंट सेटलमेंट के अंदर लैंड रेवेन्यू तो फिक्स कर दिया गया था यही किया था कोरोना वाले इसने परमानेंटली फिक्स कर देते उनको लगा कि परमानेंटली फिक्स कर देंगे तो लैंड रेवेन्यू कंटिन्यूसली आता रहेगा लेकिन नहीं आता था भाई इतनी डिमांड उन्होंने रख दी थी इतना तो ज्यादा एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू डिमांड करते थे कि वो उतना आता ही नहीं था जमीनदार भी पे नहीं कर पाता था सनसेट क्लॉज के अकॉर्डिंग उनको जमीन छोड़नी पड़ती थी तो करेक्ट आंसर क्या है दोनों सत्य है तिकलकोटा तिकलगट्टा जखेरा एंड गिल्लोड कहां कहां पे महाराष्ट्र है उत्तर प्रदेश कर्नाटक राजस्थान बताइए तैक्कल कोटा जखेरा गिलनूर महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश कर्नाटक राजस्थान बताओ बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है ए इज करेक्ट आंसर तो सबसे पहले तकलकोटा कर्नाटक के अंदर तकलीहात किससे जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र जकेरा यूपी एंड गिल्लूड राजस्थान नेक्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज हिंदू सक्सेशन एक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द मेट्रिक सिस्टम ऑफ वेट अराइवल ऑफ डेट डी हाइजन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए न्यू डेली मीटिंग ऑफ एफ्रो एट न्यू डेली बताइए भाई क्या होगा हिंदी के अंदर देखो बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम तीसरा वजन भार की मेट्रिक प्रणाली की शुरुआत यूएसए के राष्ट्रपति हाइजनवायर का न्यू दिल्ली में आगमन अफ्रीकेशन सम्मेलन की नई दिल्ली बैठक करेक्ट आंसर इज इज द करेक्ट आंसर तो सबसे पहले कौन सा है नेशनलाइजन ने इंश्योरेंस कंपनी का एक्ट भी 1926, 1956 में, लेकिन जून में आया था ये भी आए थे और एफ्रेशन कॉन्फ्रेंस नाइनटीन के अंदर हुई थी तो करेक्ट आंसर क्या है ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट बताओ भाई जल्दी वॉट वॉज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द फिल्म सेठ की लड़की द मर्चेंट्स डॉटर विच अगेन रिनेम्ड दया की देवी गॉडेस ऑफ द मर्सी मिल मजदूर द मिल मजदूर धर्मात्मा महात्मा शिजारी पड़ोसी बनारसी ठग या मिस्टर एक्स बताइए बनारेक्ट आंसर से क्या है सेठ की लड़की जिसको दया की देवी बोल दिया दे गया था उसका पहला टाइटल क्या था द मिल मजदूर ए इज द करेक्ट आंसर याद रखियेगा छत्तीसवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं किस अधिनियम ने प्रांति और केंद्रीय बजट को अलग कर दिया था विच एक्ट द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833, 99, देन 1892, 1786 तो प्रोविंशियल एंड सेंट्रल दोनों अलग हो गया था किससे हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट पे चलते हैं व्हाट डज द वर्ड मशरूत रेफर टू मशरूत का मतलब क्या होता है मनसबदारी के ऊपर लगातार क्वेश्चन आ रहा है हर बार तो कंडीशनल रैंक परमानेंट रैंक हेरिडिटरी रैंक लास्ट में ओनली रिजल्ट फॉर द रॉयल प्रिंसेज तो मशरूत का मतलब कंडीशनल रैंक मनसबदारी की शुरुआत अकबर के टाइम पेड़ पे मतलब ऑर्गेनाइज करना उसको 73-74 के अंदर सवार 67 के अंदर मनसबदारी की शुरुआत शुरुआत देन, 93 के अंदर सॉरी आता है आपका दाग एंड चेहरा जात सवार 95, 15, 95, जहांगीर कांगजेब का सिस्टम, औरंगज़ेब का मशरूत एंड याद रखना, ठीक है? तो ये औरंगज़ेब के टाइम लेड एज ए जनरल एडिटर बाय महाभारत परियोजना प्रोजेक्ट का समालोचक निम्नलिखित में से किसके प्रावधान संपादक संपादित किया गया था आर एन डांडेकर एस राधाकृष्णन वी एस सुप्तानकर आर सी मजूमदार

तो यहां पे क्वेश्चन है इंडस के रिस्पेक्ट में मोहर आमतौर पर केवल और पक्की मीट से बनाई जाती थी मोहर बनाने का उद्देश्य मुख्य रूप से वाणिज्यित था ऐसा प्रतीत होता है कि मोहरे मुद्राएं बाजूबंद बाजूबंदीज के, के रूप में कुछ लोगों के द्वारा पहनी जाती थी जिससे उन लोगों की पहचान की जा सके थर्टी नाइन जल्दी बताओ भाई सो so, करेक्ट आंसर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर सबसे पहले वो स्टेराइट और टेराकोटा बोल रहा है देखो कितने सारे तरीके हैं एजेट भी हो गया चर्ट भी हो गया फाइनेंस भी हो गया टेराकोटा भी हो गया, गया इतनी सारी चीजें हो गई तो पहला स्टेटमेंट गलत दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है है करेक्ट आंसर बी नेक्स्ट पे चलो तो निम्नलिखित में से किस नेता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित फिल्म में तो भारतीय राष्ट्र सेना से संबंधित फुटेज तस्करी के माध्यम से प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी विच लीडर वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग दुटेज ऑफ आई एन ए फॉर अ फिल्म और नेता दी सुभाष चंद्र बोस तो पहला सत्यमूर्ति दूसरा सी राधा गोपालचारी तीसरा महात्मा गांधी सो करेक्ट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई याद रखना देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन जो करा रहा हो इंपॉर्टेंट है है ना तो याद रखना इस चीज को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेक्स्ट चलो कि ने इंग्लैंड जाने से पहले विलियम विलियम्स को तैयार को करने में सहायता की संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी मोनियर विलियम्स ने बनाई थी लेकिन उसे किसी ने मदद की थी किसने मदद की थी विपिन पाल ने गंगाधर तिलक ने श्यामजी कृष्ण वर्मा ने गोपाल कृष्ण गोखले ने किसने मदद की थी डिक्शनरी बनाने में ये की थी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है बयालीसवा से किसने कहा है कि विजयनगर ने तमिल देश पर गैर तमिल के नियंत्रण और योद्धाओं तथा किसानों के तमिलनाडु में प्रवासन को प्रस्तुत किया है कंट्रोल ऑफ नॉन तमिल्स ओवर तमिल कंट्री एंड माइग्रेशन ऑफ तेलगु वॉरियर्स एंड प्रेजेंट इन तमिल कंट्री स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है

खुराक के दबाव क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है क्या होता है खुराक के दबाव कैसे याद करना है कि अगर आपके घर पे गेस्ट आ जाए तो उन्हीं से पैसे मांग लो अगर आपके घर पे गेस्ट आ जाए उन्हीं से पैसे मांग लो तो फोर्डर हे टू बीस्ट पशु हेतु चारा चारे का मतलब ये नहीं कि उनको चारा डालना है नहीं 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 उनका मतलब है कि अगर वो आ रहे हैं हमारे यहाँ पे खाने के लिए तो उन्हीं से पैसे मांग लो तो औरंगजेब के टाइम पर अगर क्राइसिस इतना इतना बड़ा हो गया था क्राइसिस कि अगर कोई मनसबदार अपना घोड़ा लेके उधर आता था तो उसी से ही पैसे मांग ले आते थे उसी की सैलरी से ही पैसे काट ले आते थे तो करेक्ट आंसर क्या है डी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं सो so, क्या पूछ रहा है मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है इंपीरियल पेंटिंग वर नॉट इंफ्लुंस बाय द प्रिफरेंस ऑफ द मुगल अच्छा बाबर है अर्लीएस्ट एक्साम्पल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आर फाउंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हुमायूं ओके द इंपीरियल मुगल पेंटर्स वर फ्रॉम इंडिया पर्शिया एंड हिमायू वाज़ रिस्पांसिबल फॉर लैब्रेशन ऑफ मुगल पेंटिंग सारे गलत लग रहे हैं मेरे को तो देखो भाई क्वेश्चन <laughs> बताइए हिंदी देखो तो शाही पेंटिंग चित्रकला मुगल की वरीयता से प्रभावित नहीं थी आ, बाबर ने पेंटिंग हेतु एक कार्यशाला स्थापित की थी प्रलेखन के प्राचीनतम उदाहरण हिमायु के शासनकाल के दौरान पाए जाते हैं शाही मुगल चित्रकार भारत फारसी और मध्य एशिया से थे हिमायु मुगल चित्रकाल के विस्तार हेतु उत्तरदायी है बताइए सो करेक्ट आंसर इज सी सारे गलत लग रहे हैं। तभी मैं बोल रहा था ना सारे गलत लग रहे हैं कुछ-कुछ ही ठीक लग रहे हैं <laughs> ये तो बिल्कुल ठीक है इंडिया पर्शिया से एशिया से आए हुए थे हुमायूं के टाइम पर पे लैब्रेट होनी शुरू हुई थी पेंटिंग अरे नहीं बाबा ठीक है तो गलत हो गया अकबर के टाइम पर से शुरू हुई थी मै होनी हुमायूं के टाइम पर पे उसका एविडेंस मिलता है डॉक्यूमेंटेशन का देखो चॉकलेट क्वेश्चन है चॉकलेट क्वेश्चन है चॉकलेट क्वेश्चन में पूछूंगा पहले मैं एक बार आपको समझा दू ठीक है आजकल तो सारे लोग चॉकलेट मांगने शुरू हो गए हैं ठीक है पहले होता था कि मैं चॉकलेट क्वेश्चन का चॉकलेट क्वेश्चन का आंसर बता देता था और मतलब चॉकलेट क्वेश्चन पूछता था फिर चॉकलेट क्वेश्चन आप लोगों से आंसर देते थे लेकिन कोई मांगता नहीं था लेकिन आजकल तो भाई बोल रहे हैं कि सर लाओ चॉकलेट हम रेडी हैं ठीक है तो अभी मैं बताता हूँ चॉकलेट क्वेश्चन क्या होगा तो सबसे पहले बोल रहा है कि नॉट इन्फ्लुएंस्ड इंपीरियल पेंटिंग राजाओं से इन्फ्लुएंस नहीं होती थी नहीं होती थी भाई अकबर हो गया जहागीर हो गया शाहजहा हो गया बाबर हो गया हिमायु हो गया सभी से इन्फ्लुएंस होती थी बाबर ने वर्कशॉप शुरू किया था नहीं हिमायु ने शुरू की थी वर्कशॉप हिमायू ने ठीक है देन उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंटेशन uh, uh, ये तो ठीक है चौथा बिल्कुल ठीक है पांचवा गलत है ओके तो करेक्ट आंसर क्या है सी इज द करेक्ट आंसर तो भाई चॉकलेट क्वेश्चन है रेडी हो जाओ रेडी हो जाओ रेडी हो ना देखो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल अकबर के टाइम पीरियड पे जो वर्कशॉप होती थी उसको क्या बोला जाता था जल्दी बता दो फटाफट अकबर के टाइम पीरियड पे जो वर्कशॉप होती थी जहां पे पेंटर्स काम करते थे उसको क्या बोलते थे तस्वीर खाना तस्वीर खाना ठीक है ठीक है तो किसने बताया भाई तस्वीर से काम नहीं चलेगा तस्वीर खाना से काम चलेगा सागरिका ने बताया सागरिका ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो सागरिका भाई आज की विनर हो गई सागरिका तस्वीर खाना ठीक है चलो <laughs> तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो गया एंड सागरिका चॉकलेट कॉन्टेस्ट जीत चुकी है ठीक है चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इन वैदिक पीरियड द पीपल कॉल्ड पनीज वर तो पनीज कौन लोग थे जल्दी बताइए बताइए अरे कारखाना कैसे हो जाएगा <laughs> कारखाना भी बोल रहे हैं लोग तो कारखाना कैसे हो जाएगा करेक्ट <laughs> आंसर है दोस्त जो व्यापार को कंट्रोल करते थे उनको बोलते थे पनीज नेक्स्ट देखो मॉरियन मॉरियन पीरियड के ऊपर क्वेश्चन है तो मौर्य काल के मिट्टी के बर्तन को आमतौर पर उत्तरी काले पालिशदार मृत्यु एनबीडब्ल्यू कहा जाता था कगनकली में पाए गए अशोक पत्थर का चित्र मिला हुआ है और पाटलिपुत्र उत्तरी काले पालिशदार ही एनबी एनबीपीडब्ल्यू मिट्टी के बर्तन के केंद्र थे बताइए सो so, तीनों स्टेटमेंट ठीक है पहला किसके रेस्पेक्ट में है पॉट्री एनबीपीडब्ल्यू हो गया बिल्कुल ठीक है देन दूसरा स्टोन ऑब्वियसली कंकेली के अंदर एविडेंस मिला हुआ भी, भी एनबीपी हो गया पहला और तीसरा तो कनेक्टेड हो गया एकदम से ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन मिलेगा शेर चाह के ऊपर क्वेश्चन मिलना ही मिलना है देख लो भाई तो यहां पे क्या पूछ रहा है कि इस ग्रैंड फादर वॉज ए पेटी हॉर्स शेडर हु केम फ्रॉम अफगानिस्तान इज फादर हसन इमर्ज एज लीडर ऑफ अफगान फ्री बूटर हसन वाज़ प्लेज इन चार्ज ऑफ परगना ऑफ नारनोल फरीद ज्वाइन द सर्विस ऑफ ताज खान द कमांडर ऑफ बंगाल, ही सबमिटेड ताज ही सबमिटेड टू ताज खान टू डिसमिस हिज फादर हसन फ्रॉम हिज सर्विस बताइए ध्यान से देखो शेयर के ऊपर क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट है ना आए तो बोल देना सर नहीं आया एंड बता भी देता हूं क्वेश्चन क्या आएगा मैं हंड्रेड परसेंट बता रहा हूं दो नंबर आपको क्लास के अंदर पक्के मिल जाएंगे शेयर ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा अभी क्वेश्चन के बाद बताऊंगा थोड़ा वेट करो सो करेक्ट आंसर यहां पे क्या है बी इज द करेक्ट आंसर तो सबसे पहला स्टेटमेंट देख लो बी इज द करेक्ट आंसर देखो जो शेरशाह है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी काम करना शुरू कर देंगे आपके लिए लड़ना शुरू कर देंगे लड़ लेंगे मर जाएंगे सब कुछ कर देंगे ठीक है पहला बिल्कुल ठीक है और, और वो फ्री बूटर्स बन गए थे बिल्कुल ठीक है हसन खान को नारनोल का परगना मिल गया था फरीद किसकी सर्विस ज्वाइन किया था आज खान के लेकिन वो चुनार के कमांडर थे कि बंगाल के चौथा

इन चीज के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है आई होप आपको याद होगा ये सब चीजें रटी हुई होगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं चोलास पांड्या इन चोल पांड्या केरल पुत्र सत्य पुरुष का उल्लेख अशोका द्वारा डैश में उनकी पड़ोसी शक्तियों के रूप में किया गया है बताइए करेक्ट आंसर क्या है सर आप ही क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ये तो आप आप बताओगे ना आप बताओगे कल ठीक है कल आप बताओगे मुझे मुझे फीडबैक दोगे कि सर कैसा आया पेपर <laughs> तो रॉक किस में पता चलता है रॉक एडिक टू के अंदर चोलास पांड्यास केरला पुत्राज के बारे में पता चलता है निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज दक्षिण भारत में मुजलिस में अगस्टस के मंदिर का प्रमाण देता देता है, है? In कौन सा सो so, प्रिप्लस हो गया हो गया, जेनोलॉजिकल टेबल्स हो गया संगम लिटरेचर हो गया तो किसने दिया हुआ है प्रिप्लस ने दिया हुआ है याद रखिएगा, प्रिप्लस ने दिया हुआ है कल ही मैंने आपको बताया था इसके बारे में प्रिप्लस ठीक है तो ऑतर एंड इन्होंने बताया हुआ है मुजरिस के बारे में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वशिष्ठ पुत्र आ, ये रीजन. तो ये वाला रीजन उनके पास एक कौकड़ नहीं था बाकी कौंकड़ थे सौराष्ट्र था सौराष्ट्र एंड कलिंगा तो एक उनके पास कौकड़ नहीं था एंड बाकी कौंकड़ थे तो कौन सा कौंकड़ नहीं था कलिंगा कौकड़ नहीं था ठीक है एनालिसिस होगा कल बहुत ही बढ़िया ठीक है मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मैं कहा मिलूंगा आपको ऑलरेडी मैंने ग्रुप के अंदर भेज दिया है वहीं पे मैं सेंटर के अंदर मिलूंगा किसी आई थिंक किसी एक स्टूडेंट का मेरे सेंटर सेंटर पे पड़ा हुआ है तो वो वहीं पे मिलेंगे फिर और फिर आंखों देखा पेपर मैं आपको फिर क्लास के अंदर ही बताऊंगा और होपफुली सोल सॉल्यूशन भी बता दूंगा कि किसका क्या आंसर है ठीक है होपफुली होपफुली तो कल हम मिलेंगे कितने बजे आठ बजे मिलेंगे आठ बजे मिलेंगे पे यही पे यहीं ही जहां पे मैं हिस्ट्री का पूरा पेपर आपको समझाऊंगा ठीक है समझ गए नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग टू द वर्कारी पंथ ज्ञानेश्वर नामदेव देव निम्बर का माधव एंड तुकार बताइए हिंदी के अंदर देखो जानेश्वर नामदेव निम्बर का मदतु कराम हाँ कोई नोएडा के अंदर है तो वो आ सकता है भाई मिलने मिलने के लिए अगर कोई नोएडा के अंदर है किसी का नोएडा के अंदर सेंटर है सिक्सटी टू पे और वो थोड़ी देर वेट कर सकता है और आठ बजे आठ बजे करीब भाई मिल सकता है मुझसे ठीक है तो मैं आपको एड्रेस शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर तो वो आ सकते हैं मिल सकते हैं ठीक है क्योंकि आप वैसे तो आओगे नहीं भाई मिलने के लिए तो ये हो सकता है अगर किसी का सेंटर नोएडा में है

बताइए बताओ भाई जल्दी फिफ्टी टू फिफ्टी टू अगर एक आंसर क्या है जल्दी बताइए यस अगर कोई भाई नोएडा के आस नोएडा के आसपास है आठ बजे आना चाहता है तो आ सकता है वो मैं ओपन इनविटेशन दे रहा हूं ठीक है मैं एड्रेस शेयर कर दूंगा कि आप यहां पे आ जाइए अगर

पतन पलई देन उसके बाद निंदुलवदी देन उसके बाद कविराज मार्ग मैच किससे करना है शिवा कोट्याचार्य कनारा कनरा नक्रियार बताइए बताइए करेक्ट आंसर क्या है पटिन पिल्लई निंदुलवडी देन कविराज मार्ग वुड़ा परदना देन उसके बाद मैच कर दे फटा फट। so, जल्दी फटाफट सो डी इज द करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी फटाफट देख लो ए का हो जाता है तीन बी का हो जाता है चार देन उसके बाद सी का दो एंड डी का वन फिफ्टी फोर्थ फिर मैच है ओडिशा की राजधानी यादव की राजधानी ककतियाल की राजधानी पांड्यास की राजधानी किससे मैच करना है मदुरई से वरंगल से द्वार समुद्र से देवागिरी से जल्दी मैच कर दो जल्दी मैच कर दो इनकी राजधानी कैपिटल मैच कर दो करेक्ट आंसर क्या है सी इज़ करेक्ट आंसर तो पहला किससे हो जाता है होार समुद्र से यादव का हो जाता है देवागिरी से ककतिया का हो जाता है वरंगल से नाकली में पांड्यास मदुरई नेक्स्ट देखो सरस्वती विश्वरूपा किसके साथ मैच करना है सर्जन चैरिटर सेलर पॉटर फैब्रिकेटर आर्टिस्ट पोएट एंड एंटरटेनर हिंदी के अंदर भी देखो सरस्वती सिनावाली अश्विन एंड उसके बाद देन उसके बाद आखिरी में इसको मैच करना है सर्जन चैरिटर सेलर कुमार निर्माता कलिका, कलाकार कवि नृतक गायक सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी ए का हो जाता है तीन देन उसके बाद बी पे चार पहुंच गए अश्विन पे एक पहुंच गए एंड विश्वरूपम पे कुमार निर्माता पच छप्पनवा फिर मैच है बराबरी सयर गया अलतमगा बैतुतुलमल एंड किससे मैच करना है वो टैक्स फ्री से पब्लिक ट्रेजरी से आर रिक्रूट इन अडॉक पे परमानेंट रेवेन्यू सेगमेंट टू तो असाइन इज फैमिलीज इन प्लेस बताइए एग्जाम ओर निकलना है अरे एक दिन पहले निकल रहे हो क्या कहाँ जा रहे हो भाई एग्जाम देने इतना दूर सेंटर है लतमगा देन बेतुतुल कर मुक्त भूमि सार्वजनिक राजकोषार्थ भुगतान पर नियुक्त आधिन्यासी के परिवार को उसके मूल स्थान के सत्या स्थायी आवंटन तो बी इज आंसर कौन कौन सा किससे मैच है बी इज द करेक्ट आंसर सबसे पहले हो गया बराबरी ये हो गया आपका एडॉक दे आप, आप टैक्स फ्री होती थी अल्तमगा जैसे वतन जागीर हुआ करती थी ऐसे ही थी मल हो गया आ, ट्रेजरी पब्लिक ट्रेजरी तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट पे देखो कालहाना शेख सिकंदर अबुल फजल खफी खान आईन अकबरी देन रंगनी मिरात सिकंदर मुंतकफ जल्दी मैच करो कालहान शेख सिकंदर अबुल फजल खफी खान आईन अकबरी राष्ट्र रंगनी मिरात सिकंदरे लुबूब

हिंदी के अंदर तो नाना फडनवीस की मृत्यु वेल्लोर विद्रोहोर वेल ने कर्नाटक को कब्जे में लिया मेलकोस फारसी मिशन और काबुल एल्फ इंस्ट्री इनकी संधि तो करेक्ट आंसर क्या है काल व्यवस्थित करना है इसको करेक्ट आंसर इज बी सबसे पहले कौन रहती तो हुई थी अट्ठारह सो में अठारह सौ एक के अंदर वेलिसी से जिसने कर्नाटक को नेक्स्ट किया था अट्ठारसो दो में बसीन हो गया देन तो उसके बाद वेल्लोर म्यूटिन अठार सो छह के अंदर हो गई देन दो मिशन भेजे गए थे अठारह के अंदर तो करेक्ट आंसर क्या है बी इज द करेक्ट करेक्ट आंसर नेक्स्ट पे चलते हैं कौन सा है ध्यान से देखना ध्यान से देखो भाई आ, सटीक सामाजिक शब्दों में शब्द का अर्थ समृद्ध गृहस्थ है की संपत्ति उनकी अपनी जमीन से और धनी परिवार धनी व्यापारी के रूप में प्राप्त हुई थी यदि गहपति की संपत्ति व्यापारी के रूप में अर्जित की गई थी आ, की की गई थी तो उसे गहपति कहा जाता है उनके ब्राह्मण ब्राह्मणपति का ब्राह्मण के रूप में उल्लेख किया गया है, जिन्होंने भूमि का दान प्राप्त कियापति गया गया अच्छा अच्छा सारे, -सारे, सारे काम करता था लेकिन वो आर्मी के अंदर इन्वॉल्व नहीं था सारे काम सही है लेकिन वो आर्मी के अंदर इन्वॉल्व नहीं था ठीक है तो हाउस होल्ड एफ्लुएंट आउट हाउस होल्ड के अंदर था मतलब समृद्ध था काफी ठीक है काफी जमीन थी काफी वेल्दी था ओके काफी पैसे कमा रहा था वो लेकिन वो लड़ता नहीं था लैंड भी डोनेट करा था को लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले बाल गंगाधर तिलिक को मैंडली जेल से कब छोड़ा गया था आखिरी में बी एच यू की फाउंडेशन उन्नीस सौ चौदह एनवीन फिफ्टीन देन उसके बाद लास्ट में हम कहा सो करेक्ट आंसर डी सबसे पहले शिवाजी फेस्टिवल अट्ठारह सौ पिचानवे डेथ ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले उन्नीस सौ पंद्रह बाल गंगाधर तिलिक को मैंड जेल से कब छोड़ा गया था उन्नीस सौ चौदह बी एच यूनटीन सिक्सटीन याद रखेगा बी एच यू के ऊपर ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आया है तेन ये भी याद रखिएगा कब उनको छोड़ा गया था गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ एंड शिवाजी फेस्टिवल काफी इंपॉर्टेंट है बसीन की संधि म्यूटिनी विलनवीस की डेथ नाना फदनवीस की डेथ एंड रंजीत सिंह ने लाहौर कब कैप्चर किया था जल्दी बताओ फटाफट

फटाफट पड़ बताओ फटाफट मिनट से पहले उन्नीस फरवरी 1946 1944, जून 1945 जुलाई 1946 देन मार्च जून 1946 सो करेक्ट आंसर यहां पे क्या है करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर सबसे पहले कौन हो गया शिमला कॉन्फ्रेंस जून 1945 सौ

पोल कुंटी रजाक वतूता तो पोलो को छोड़ के सारे आए हुए थे विजयनगरी टाइम पेड़ पे कुंटी रजाक वतूता ठीक है इस सम्राट ने स्थानीय लोगों और अन्य अधिकारियों से यात्री व्यापारियों को घायल नहीं करने और व्यापारियों की संपत्ति को ना लेने का आग्रह किया था यदि उनमें से किसी के साथ भी कोई घटना होती है तो अः बिना किसी वारिस की मृत्यु हो गई यदि उनमें से कोई भी घटना घटना से और बिना किसी वारिस की मृत्यु होती है तो उसके अलावा आधिकारिक तौर पर व्यापारी को उनकी बाजार मूल्य पर ही माल खरीदना होता था बताइए किसके बारे में बात हो रही है ये so ये सो बात हो रही है शेर शाह के बारे में एस एस शेर शाह ठीक है मैंने आपको पहले ही बताया जस्टिस आ सकता है, के, और, कंदूर के इन्विजन, इन्विजन, पोर्ट कलिकबरम का कब अ, अंडर वेस्टर्न चालू किया जाया था कब तोड़ा गया था वो कैप्चर ऑफ तंजोर इनवेजन ऑफ सेलॉन एंड डिस्ट्रक्शन अनुराधापुरा नेवल इन्वेजन ऑफ श्रीविजिया जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या इसका सिक्सटी फिफ्टी करेक्ट आंसर इज इट इज ए सबसे पहले कौन सा हो गया कैप्चर ऑफ तंजोर एट फोर एट इन्वेजन ऑफ कंदलूर एंड विलियन एट नाइन नाइन एट नाइन एट एट इन्वेजन ऑफ सिल्लॉन वन जीरो वन सेवन नेवल इन्वेजन ऑफ श्री विजिया वन जीरो वेस्टर्न वाला आखिरी इलेवन सेंचुरी ठीक है लेट इलेवन सेंचुरी लाजोमा का मतलब क्या होता है वाज़ पे सेक्रीफाइस मैरिज सेरेमनी सन्यासी की ड्यूटी तैन पंचम योजना लाजोमा क्या होता है लाजोमा लाजोमा होता है मैरिज सेरेमनी विवाह अनुष्ठान याद रखिएगा ठीक है लाजोमा मैरिज सेरेमनी किस तरह की मैरिज सेरेमनी जिसमें जो चावल है वो छिड़के जाते हैं एंड कपल वॉक अराउंड फायर ऐसे फायर में वॉक करते हैं थ्री टाइम्स राइस छिड़कते हैं ठीक है तो इसमें क्या कर रहे हैं आप भगवान अग्नि को बुला रहे हो कि आओ शादी को देखो एंड जो कपल है उसको आशीर्वाद दो ठीक है किस बहामनी बादशाह को सूफी गेसुदराज के साथ संबंध के कारण वली के रूप में भी जाना जाता है विच बहामनी किंग इज ऑल्सो नोन एज वली बिकॉज द सूफी गेसूदराज किसको माना जाता है सो so, अहमद अली अहमद शाह कॉन्स्पिर की थी इनके साथ मिलके फिरोज शाह को हटाने की लेकिन बाद में इनको पता चल गया तो इन्होंने इनको निकाल दिया तो करेक्ट आंसर क्या है बीज द करेक्ट आंसर जात सवार जात का मतलब क्या होता है सवार का मतलब क्या होता है देखो 68 जात सवार का मतलब क्या होता है देखो मनसबदारी पे क्वेश्चन आना ही आना है 100% आना है सो करेक्ट आंसर क्या है जात सवार के रिस्पेक्ट में करेक्ट आंसर है दोनों सही है दोनों के दोनों सही है तो जात क्या होता था पर्सनल रैंक सवार क्या होता था कितने उनको सोल्जर्स मेंटेन करने हैं ठीक है एंड जात ही आपका डिफाइन करते कि आप हायर में कितने ऊपर जाओगे हायर में कितने ऊपर जाओगे जात ही डिफाइन डिफाइन करता करता था था सवार नहीं करता था। तो करेक्ट आंसर क्या है सी इज द करेक्ट आंसर इन द बयाना होल्ड क्वेंस ऑफ विच गुप्ता रूलर है बयाना संचय में किस गुप्त शासक की सर्वाधिक मुद्राएं पाई गई है चंद्रगुप्त वन समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त कुमारगुप्त कुमारगुप्त वन याद रखिएगा बयाना होर्ड किसकी सबसे ज्यादा मुद्राएं पाई गई है चंद्रगुप्त टू की पाई गई हैं ठीक है किसकी चंद्रगुप्त टू की किसने डिस्कवर किया था 1946 में ए एसलेकर जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था राजस्थान के अंदर 2000 सिक्के उनको मिले थे गोल्ड के ठीक है बताओ भाई यहाँ पे किसके बारे में राजतर के बारे में तो कौन से शासक के बारे में पूछा जा रहा है वह कौन सा जिसने स्वयं एक चरमकार के घर जाकर त्रिभुवन स्वामी का मंदिर बनवाने के लिए अपनी कुटिया की जमीन मांगी थी तो करेक्ट आंसर क्या है लेदर वर्कर विदिक्वेस्ट टू गेट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड ऑफ इस कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल ऑफ त्रिवन स्वामी तो ये है चंद्रपिता मैं क्रोनोलॉजी को याद कर लो ये वाली दुर्लभ वर्धन पहला दुर्लभ का चतरपिता ललितादित्योलॉजी को रट डालो पूरा का पूरा। के। के तो प्रभावशाली व्यक्ति को एक दूसरे के घर ना जाने और दावत खानों में सामूहिक समारोह ना करने का आदेश दिया सुल्तान को सूचित किए बिना और उनकी अनुमति लिए बिना उनके बीच अंतर विवाह की अनुमति नहीं होती थी उस सुल्तान की पहचान कीजिए इन सुल्तान की पहचान कीजिए जिसके बारे में बोला जा रहा है तो किसके बारे में बोला जा रहा है ये ये बोला जा रहा है अलाउद्दीन खिलजी के के बारे बारे में में उनके सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। सोशल रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स जिसके अंदर उसने अपनी नोबिलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश की थी नोबिलिटी कंट्रोल करके अगर शादी वगैरह करोगे तो सबसे पहले इनविटेशन मेरे पास आना चाहिए मतलब कि उनसे पूछ के शादी करो ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है अलाउद्दीन खिलजी नेक्स्ट

सबसे पहले नामनुक जो नामनुक है वो है विलेज जो ब्राह्मण को दिया जा रहा है मोक्षा जो है विलेज डोनेट टू द देन उसके बाद क्या है विलेज नेम ऑफ रिलीजन क्या है अब विलेज डोनेट इन द ने ऑफ टेम्पल तो याद रखिएगा नानु का क्या है मुकाशा क्या है दर क्या है मंदिर क्या है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं इब्ने बतूता बताता है कि बुधवार को इनको छोड़ा जाता था बुधवार सुल्तान जो थे बुधवार को मेल स्लेव छोड़ते थे फ्राइडे को फीमेल स्लेव छोड़ते सैटरडे में उनकी शादी करा देते थे, थे। बताइए किसके बारे में बता रहे हैं ये सो ये बताया जा रहा है एमबीटी के बारे में मोहम्मद बिन तुगलक वेडनेसडे को स्लेव सैटरडे स्ले, में उनकी शादी करा दी ये नहीं बोला हुआ कि उनकी शादी करा दी ठीक है ये उन्हीं की शादी नहीं कराई है मतलब ये सैटरडे में

आज मैरिज पे बड़े क्वेश्चन है आप मुझे कल बताना ठीक है ना आपको मैरिज पे क्वेश्चन दिख जाए एग्जामिनेशन के अंदर ठीक है ना एग्जामिनर आपको याद दिला दे कि आपके आप शादी के लायक हो गए हो ठीक है <laughs> इतने क्वेश्चन पूछेगा वो शादी के ऊपर बताइए देवराया वन के बारे में बात की जा रही है किसके देवराया श्रीनाथ उनके कोर्ट पोएट थे श्रीनाथ कोर्ट पोएट दिंदमा दिंदमा उनके कोर्ट पोएट थे एंड फिर उनको उपाधि दी गई थी कवि सुबर्मा की ठीक है, बताइए ये स्टेटमेंट किसका है ये स्टेटमेंट किसका है जल्दी बताओ सो सोलह सो तेईस चौबीस में निम्न में से किस यात्री ने कैम्बे में परिंदे का अस्पताल की यात्रा की जहां उसने कुछ लंगड़े बीमार बिना जोड़े वाले पक्षी और कुछ छोटे छोटे अनाथ चूहे देखे चूहे तो अनाथ ही होते हैं यार हा ठीक है उसने लिखा है कि एक सफेद दाढ़ी वाला बेहद बूढ़ा इंसान उन्हें पेटी में रुए रुई के बीच रख रहा था उसकी नाक पर एक एनक चढ़ा हुआ था और वह चिड़िया के पंख की सहायता से उन छोटे चूहों को दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वे अभी इतने छोटे थे कि कुछ खा नहीं सकते थे जैसे कि उसने हमें बताया उसका इरादा था कि बड़े होने पर वह उन्हें मुक्त कर देगा वे कहा जा रहे थे बताइए किसके किसने स्टेटमेंट दी हुई है राल्फ ने देन उसके बाद मिडिल मिडिल हॉल ने पेड्रो पेड्रो ने है तो किसकी की देखो याद रखना पेड्रो वेली ने बताया हुआ है कि पेड्रो वेली एक हॉस्पिटल विजिट किए थे कैम्बे के अंदर सोलह हजार तेईस चौबीस में एंड उनके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं यह स्टेटमेंट किसकी है किस समय और स्थान पर तब तक सड़के गोदी बंदरगाह नहरे सिंचाई व्यवस्था अस्पताल स्कूल कॉलेज और छापेकाने नहीं बनेंगे जब तक सरकार उनका निर्माण नहीं करेगी अब किस किसके में पूछा जा रहा है ये लेजिस के इंटरवेंशनिज्म के मर्केंटलिज्म केज के ये जॉन स्टुअर्ट मिल की फिलोसफी है बताइए जॉन स्टुअर्ट मिल तो ये क्या है इंटरवेंशनिज्म हस्तक्षेप हस्तक्षेप की मतलब जब तक आप हस्तक्षेप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं बनेगा मतलब नहीं करना ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर इज सी नेक्स्ट कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के अन्य हिस्से में बड़ी संख्या में ब्राह्मण बस्तियों का उदय हुआ ब्राह्मणों को अक्सर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त होता था आपको क्या करना है आपको यह देखना है कि दोनों स्टेटमेंट क्या कपल हैं दोनों साइड डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं या अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं ये देखना है देखो जल्दी फटाफट बताइए सही है भाई बिल्कुल सही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो बहुत सारे मतलब ब्राह्मण कावे के अंदर बहुत सारी जमीन दी गई थी और, और तो विद्रोह को सिपाही विद्रोह के रूप में बताया हुआ है सैयद अहमद खान ने अठारह के विद्रोह ब्रिटिश शासकों के प्रति मुस्लिम की निष्ठा पर ध्यान केंद्रित किया अंग्रेजों की फ्री ट्रेडर्स ने भारतीयों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार का समर्थन किया और कंपनी के खिलाफ विद्रोह के लिए भारतीय सरदारों की, की चौथा आरसी माजूमदार अठारह को आजादी की पहली लड़ाई मानने से इनकार करते हैं बताइए। करेक्ट आंसर क्या है? सी इज करेक्ट आंसर तो इंग्लिश फ्री ट्रेडर्स इंग्लिश फ्री ट्रेडर्स जो, जो थे वो सपोर्ट करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या वो उनको सपोर्ट करते थे आप बताओ बताओ अगर एक घर में दो छोड़ो <laughs> आ, यहां पे ई आई सी और फ्री ट्रेडर्स ठीक है इन दोनों का इंटरेस्ट एक ही था क्या इंटरेस्ट था व्यापार ठीक है ई आई सी को मोनोपोली मिली हुई थी मान लो एक हो गई देवरानी एक हो गई जेठानी ठीक है देवरानी हो गई जेठानी हो गई ठीक है तो क्या देवरानी जेठानी की बनती है आप बताओ बनती है तो देवरानी कौन हो गई सारा का सारा सास हुआ? इसी ने को दिया हुआ, दिया है इसको तो जेठानी जो कि फ्री ट्रेडर्स हैं क्या वो खुश रहेंगे तो वो हमेशा खुश नहीं रहते थे उनको लगता था कि नहीं नहीं भाई क्यों उनको मोनोपोली दी हुई है चा भी उनको क्यों दी हुई है मोनोपोली उनको क्यों दी है हमें भी चाहिए तो वो उनको सपोर्ट क्यों करेंगे क्राइसिस के टाइम पीरियड पे आप ये बताओ क्यों करेंगे ठीक है तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फ्री ट्रेडर्स थे आप देखो ये फ्री ट्रेडर्स क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करेंगे करेंगे नहीं करेंगे देखो ईस्ट दे दे इंडिया कंपनी फ्री ट्रेडर्स सपोर्टेड दईसी कंपनी मोनोपोली इंडिया एंड कंबाइंड चीफ ट्रेन रिबेलिंग अगेंस्ट द कंपनी नहीं करेंगे ना समझो ठीक है हिस्ट्री विद ग्रुप अरे कोर्स भी क्या है भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यहां जाएगा ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मेरे को ढूंढ लो और मुझे पर्सनली मैसेज कर देना मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बताइए निम्नलिखित में से कौन से राजवंश अपनी उत्पत्ति को नरकसार से जोड़ते हैं विच ट्रेस इट ओरिजिन फ्रॉम असुरा नरका बंजाज ऑफ उड़ीसा पालाज ऑफ बेंगाल अः उड़ीसा वरमन पासाम अच्छा मैं तो चाबी की टेंशन लूंगी नहीं अरे वाह 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 अरे समझ रहे हम समझ रहे हम जिनकी शादी हो चुकी है सबसे ज्यादा टेंशन उनको चाबी की रहती है हाँ ठीक है तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आसाम तो क्या आसाम वर्मन कब से कब तक रूल की थी 350 से 655 तक रूल की थी ठीक नेक्स है नेक्स्ट देखो कंपनी के ऊपर क्वेश्चन है कंपनी के ऊपर क्वेश्चन तो कम, पहले स्टेटमेंट देख लो फिर उसके हिसाब से बताएंगे क्या पूछा गया इसके स्टेटमेंट में आ, क्या पूछ रहा है वो गलत पूछ रहा है सही पूछ रहा है सही पूछ रहा है कौन सा सही है कंपनीज फाइट फॉर इक्वालिटी फ्रॉम सबऑर्डिनेशन पोजीशन केम टू एन एंड विद द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद ओके पॉलिसी ऑफ सब्सिडी लाइन

<laughs> चलो भाई बताइए देख लो करेक्ट आंसर कौन सा है सो so, करेक्ट कौन सा है सारे सही है सारे के सारे सही है डी इज द करेक्ट आंसर तो कंपनी हाँ ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765 मतलब कि उनको सब कुछ मिल गया बंगाल बिहार उड़ीसा सब कुछ मिल गया राजस्व मिल गया अलायंस uh, जो वेले शुरू किया था वॉरन ईस्टिंग की रिंगफेंस पॉलिसी शुरू हुआ था बंगाल को प्रोटेक्ट करना उसके प्रोटेक्ट करना जरूरी है लेकिन वो लागू ही नहीं हुआ था तो करेक्ट आंसर क्या है डी इज दंसर नेक्स्ट देखो भाई जल्दी फटाफट so, had friendly relationship with the contemporary indian kings बताइए शैलेंद्र राजाओं के किन के साथ अच्छे ताल्लुकात थे किन के साथ बाल पुत्रदेव मतलब शैलेन्द्र राजा और सुनोन तो आप किस की इंडियन किंग के साथ बाल पुत्रदेव के साथ चुड़ाम वर्मन के साथ श्री मार्जुन का वर्मन के साथ तो किन के साथ बी सी डी याद रखिएगा ठीक है

People of Delhi had for the first time in the history of Delhi Sultanate decided a succession issue on their initiative. She gave her a succession in the form of contract. But I करेक्ट आंसर क्या है डी इज आंसर तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि दिल्ली जब रजिया गद्दी के ऊपर बैठते उन्होंने कहा था कि अगर मैं आपकी महत्वाकांक्षा के ऊपर खड़ी नहीं उतरती हूं तो मैं हट जाऊंगी ठीक है ये भी कहा था उन्होंने ओके जब वो गद्दी के ऊपर बैठती है उन्होंने ये कहा था कि मैं हट जाऊंगी अगर मैं आपकी महत्वकांक्षा तो के ऊपर खड़ी नहीं उतरती हूं तो और जब उनका गद्दी के ऊपर बैठना ये भी दिखाता है कि तुर्कों की मानसिकता बदल रही थी क्योंकि ने उनको उनको गद्दी के ऊपर बिठाया था था एंड जब उन्होंने उनको कहा था कि ये मेरी बेटी जो है गद्दी के ऊपर बैठेगी तब उनको किसी ने अपोज नहीं किया था हालांकि जब इल्तुत की डेथ हो गई थी तब सब ने अपोज किया था तुर्क ने चेहल सबसे आगे भागी भागी आ गई थी ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे टर्किश माइंड सेट यानी कि इलतुत के बारे में जिक्र किया जा रहा है नेक्स्ट देखो अब देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है बहुत ही बेसिक करो जल्दी करो एर्ड करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे एट्टी थर्ड का एट्टी थर्डक्टर कौन थे देखो ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड में दिक्कत है ना विलंगी डंगी तो राइट right हैंड विलंगी थे राइट हैंड विली लेफ्ट हैंड डंगी याद रखना ठीक है राइट right हैंड विलंगी लेफ्ट हैंड डंगी ठीक है याद रखना तो पहले वाला गलत है इंटरचेंज हो गया दूसरे वाले और तीसरे वाले दोनों सही है शेर शाह दोबारा शेर शाह दोबारा आई होप आप कल शेर शाह के ऊपर क्वेश्चन नहीं सही करोगे गलत नहीं करोगे करेक्ट कौन सा है शेरशाह के रेस्पेक्ट में जल्दी बताइए भाई मेरा फेवरेट है शेरशाह मैं, मैं अगर हिस्ट्री के अंदर देखता हूं कि कौन ऐसा रूलर था जो आउट ऑफ नो आता है बहुत ही बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है उसमें शेरशाह का नाम आता है तो मेरा फेवरेट है शेरशाह <laughs> बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट so, आंसर क्या है इसका डी इज करेक्ट आंसर सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है तीन तरह के सिक्के थे उनके ठीक है नहीं होते थे बिल्कुल भी ठीक है प्योर सिक्के होते थे देन उसके बाद वेट्स एंड मेजर थ्रू आउट अपने एम्पायर के अंदर इंट्रोड्यूस कस्टम ड्यूटी दो बार पे करनी पड़ती है एक बार घुसते बार बेचते टाइम ओके okay, देन चौथा सराइज बनवाए थे जहां पे सारे के सारे लोग सर्व कर सकते थे ये वाला गलत होता है देखो ये वाला गलत है आखिरी स्टेटमेंट गलत है ये बोल रहा है कि खाली ट्रैवलर्स के लिए थे मर्चेंट्स के लिए भी थी ना भाई व्यापारियों के लिए भी थे मर्चेंट्स के लिए भी थे मेन चीज तो ये है खाली ट्रेवलर्स के लिए तो नहीं है तो ये गलत हो जाता आखिरी वाला तो करेक्ट आंसर क्या है डी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट विद रेफरेंस टू थियोसोफिकल सोसाइटी इन इंडिया द फॉलोइंग स्टेटमेंट भाई शिवाजी भी शिवाजी भी शेर शाह शिवाजी ए, मतलब कुछ इन, इतनी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के अंदर आप अगर उनका स्ट्रगल देखो और उन्होंने जितना बड़ा एम्पायर बनाया था वो अलग ही लेवल पे है भाई हिस्ट्री के अंदर हमें देखने को मिलता है शिवाजी यस शिवाजी तो टॉप पे आएंगे उस उस लिस्ट में ठीक है शिवाजी तो मतलब शेरशाह से भी ऊपर पहुंच जाएंगे बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या है विद रेफरेंस टू थियोसॉफिकल सोसाइटी बताइए करेक्ट आंसर क्या है सोसाइटी uh, का मुख्यालय भारत में मद्रास के पास हरियाणार में स्थापित किया गया था सोसाइटी का मानना था कि प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति की आत्मा और ईश्वर के बीच एक विशेष संबंध स्थापित किया जा सकता है सोसाइटी ने आम जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की धार्मिक पुनत्ववादियों के रूप में सोसाइटी की अधिक सफलता नहीं मिली थी तो करेक्ट आंसर क्या है इसका अरे अब सारे रूलर्स मुझसे पूछोगे आज क्लास के अंदर ही हम <laughs> करेक्ट आंसर क्या है भाई तीसरा हटा दो तो कॉमन मासेस देखो ये जो सोसाइटी बनी थी थियोसोफिकल सोसाइटी आम जनता तक पहुंची थी आप खुद बताओ कॉमन मासेस तक ये अपर क्लास तक मेनली लिमिटेड थी शहर के अंदर जो अपर क्लास रहता है कॉमन मासेस तक तो पहुंची भी नहीं थी तीसरे स्टेटमेंट को हटा दो बाकी सारे स्टेटमेंट सही है तो करेक्ट आंसर क्या है ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 86 तो कौन से इवेंट्स हैं जिसने गांधी जी को इन्फ्लुएंस किया था नेशनल मूवमेंट सॉरी नेशनल मूवमेंट इवन बिफोर गांधी जी अराइव बताइए <laughs> चलो भाई घर पे बिलीव ही नहीं हो कोई चॉकलेट भी दे सकता है मतलब ज्यादातर तो लोग ये सोचते हैं ना कि ये तो ऑनलाइन टीचर है ऑनलाइन टीचर तो क्या ही अपने स्टूडेंट से कनेक्ट रहता होगा ऑफलाइन का तो वो समझ भी सकते हैं लेकिन भाई ऐसा नहीं है ठीक है तो आ, बता दो उनसे कि और भी लोग को चॉकलेट मिला हुआ है करेक्ट 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 आंसर 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 क्या है है बी इज द तो तीन इवेंट ने उनको सबसे मतलब नेशनल मूवमेंट को सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है आयरलैंड को हटा दो ठीक है तो वन टू फोर इटालियन एबिसन वॉर एटीन नाइनटी एट के अंदर हो गया उसके तो बाद बक्सर मूवमेंट हो गई चाइना के अंदर तो लास्ट में विक्ट्री ऑफ जापान ठीक है इन रशिया जापानीज वॉर तो ये तीन इवेंट ने काफी लोगों को इंस्पायर किया हुआ था इंपैक्ट तो पा, हुई थी ठीक है नेगेटिवली इंपैक्ट हुई थी पार्टीशन के टाइम इमेजिन तो करो बांग्लादेश इमेजिन कर लो बंगाल वाला पार्ट इमेजिन कर लो एंड आपका जो वेस्ट वाला पार्ट है वो इमेजिन कर लो बताइए <laughs> बताइए करेक्ट आंसर क्या एट्टी सेवन का करेक्ट आंसर इज सी डी तो शब्द इमेजिन करो मैंने जो आपको कहा है कि वेस्ट वाला ईस्ट वाला पार्ट तो जूट की इंडस्ट्री एंड कॉटन की इंडस्ट्री तो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड कौन सी इंडस्ट्री रही थी सी इज द करेक्ट आंसर जूट एंड कॉटन एट्टी एट एट्टी एट इकोनॉमिक क्रिटिक के बारे में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोल रहा है देखो आपको ना क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन पढ़ना है ठीक है क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ो आप इसको एक्सट्रीम इमेजिन मत करो ब्रिटिश क्या बोलते थे नेशनलिस्ट क्या बोलते थे नेशनलिस्ट कैसे इंफोसाइज कर रहे हैं और फिर आखिरी का स्टेटमेंट नॉट अंटिल नाइनटीन ओ फाइव बताइए भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है करेक्ट आंसर क्या है ए इज द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर तो सबसे पहले क्या हो जाएगा देखो अंग्रेज क्या सोचते थे अंग्रेज सोचते थे कि हमने तो यहां पे बहुत विकास किया हमने रेल रोल बनवाई रेलवे रेल रोड सब कुछ बनवाया इतनी सारी चीजें की हैं लेकिन राष्ट्रवादी लोग मना करते थे कि आपने हमारा शोषण किया है हमारे यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट हुआ है कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ पे दोनों ठीक है दोनों अपने अपनी जगह ठीक है लेकिन ये बोल रहा है कि नेशनलिस्ट ये बोल रहा है कि हमारे भी आई थी समृद्धि भी आई थी गलत हो जाता है एंड एटीन के अंदर वो कांग्रेस के एजेंडा का पार्ट बन चुकी थी तो करेक्ट आंसर क्या है ए इज द करेक्ट आंसर वेद समाज प्रार्थना समाज सिंह सभा एंड 1867 के अंदर थ्योरी आई थी लेकिन 1890s में ना वो कांग्रेस के एजेंडा का पार्ट बन चुकी थी वेद समाज प्रार्थना समाज सिंह सभा अमृतसर मद्रास बॉम्बे मैच कर दो फटाफट करेक्ट आंसर है सी तो सबसे पहले वेद समाज मद्रास प्रार्थना समाज बॉम्बे एंड सिंह सभा अमृतसर पोस्ट इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन है पता होना चाहिए आपको धार धार कमीशन जेवीपी ओके जेवीपी के बार फैज अली कमीशन नाइनटीन फिफ्टी थ्री बाकी तो आप बताओ क्वेश्चन देख के बताओ भाई जल्दी क्वेश्चन देख के पोस्ट इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन है बताइए जल्दी सो करेक्ट आंसर क्या है डी इज करेक्ट आंसर सबसे पहला स्टेटमेंट क्यों प्रॉब्लमैटिक है ये जेवीपी कमीशन जवाहरलाल नेहरू ने हेड किया था ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दूसरा स्टेटमेंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है ये तीसरा गलत क्यों है क्योंकि 1986 के अंदर आया था हो जाएगा आंसर इसी में ही हो गया ना अरे हो गया भाई आगे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी ये बिल्कुल यहाँ पे देखो यहाँ पे गलत दिया हुआ है ये गलत हो गया एंड आखिरी बिल्कुल ठीक है ठीक है थ्री आर्टिकल थ्री के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है तो करेक्ट आंसर क्या हो गया डी इज द करेक्ट आंसर Uh, 91st फर्स्ट तो क्या क्वेश्चन है भाई पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट ओके तो पहला क्या है जनजातीय समुदाय किसानों और औद्योगिक श्रमिक जैसे व्यक्तियों की विशिष्ट श्रेणियों में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक अधिक अधिकारों संबंधित आंदोलन क्या पूछ रहा है कौन सा सही है अच्छा कौन सा सही है सारे सही लग रहे हैं यार इसमें क्या दिक्कत है सारे के सारे सही हैं डी इज द करेक्ट आंसर पहले में बोल रहा है देखो किस वजह से वुमेन्स पार्टिसिपेट कर रही थी मेनली अपनी इंप्रूवमेंट कंडीशन ऑफ द वर्कर्स इक्वल पे सोशल मूवमेंट आ रही थी जो उनको इंपैक्ट करती थी बिल्कुल ठीक है इस वजह से ठीक तो है तो करेक्ट आंसर किया है डी नेक्स्ट पे चलो कौन सा गलत है मकावली के रिकमेंडेशन गलत है कौन सा 1835 टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम लिबरल लिटरेरी ट्रेनिंग टीचिंग ऑफ वेस्टर्न टेक्स्ट अलोन एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन

निजामुल निजाम मराठाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है बताइए जल्दी करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है केवल पहला ही गलत है ये 1713 से 15 में बने थे ना कि 1710 से पंद्रह

तो कौन सा सही है विद रिस्पेक्ट टू डेट ओनली ये सही है बाकी सब उल्टे हैं, उल्टा, उल्टा, ठीक है? 96. तो संस्कृत जो के साथ जिनके अच्छे तालुकात थे तो किनके अच्छे तालुकात थे शांति चंद्र के जगन्नाथ पंडित राज के श्री सरस्वती के पद्म सुंदरा के तो किसके अच्छे तालुकात थे आपको ये बताना है किसके अच्छे तालुकात थे तो अच्छे तालुकात केवल दो लोगों के जगन्नाथ पंडित राज एंड यहाँ पे कविंद्र सरस्वत इन दोनों के अकबर के साथ अकबर ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है सी इज द करेक्ट आंसर यहां पे क्या है पांच प्रिंसिपल दिए हुए हैं पांच प्रिंसिपल पंचशील ठीक है इसमें से बताना है एक नहीं है है ना अच्छा पांच हैं कौन कौन से पांच है भाई पांच दिए हुए हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट मिलिट्री कोलैबोरेशन ओके इकोनॉमिक कोलाबरेशन डीकोलोनाइजेशन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ओके ठीक है बताओ भाई पांच देव हैं, पांच देव हैं पंचशील सो बी इज द करेक्ट आंसर तो देखो दिया हुआ है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना एक दूसरे की टेरिटरी की रिस्पेक्ट करना सोवरेनिटी रिस्पेक्ट करना कभी अग्रेसिव ना होना एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर न करना समानता करना एंड म्यूचुअल बेनिफिट करना रहना तो ये पांच दिया हुआ है ठीक है ठीक कौन सी किताब है बुक इन विच डेविड थॉमसन थॉम्सन एन एक्सिलेंट अकाउंट ऑफ द वेरियस फॉर्म ऑफ बायस इन्वेस्ट इन हिस्ट्री राइटिंग तो डेविड थॉमसन ने बताया हुआ है कि इसके अंदर जिक्र किया हुआ है बायस जो होते हैं हिस्ट्री राइटिंग को लेकर

सब कुछ जो है लॉजिक वगैरह सब कुछ है लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म उसका अपोजिट हो जाता है अब देखो क्वेश्चन को इजी है अरे सी डी देखो भाई सीडी देखो सीधा ऑब्जेक्टिविटी मतलब मॉडर्निज्म क्या होता है ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर जाता है ये बोलते हैं कि सब चीज के अंदर सच है ठीक है

एंड स्कोर जरूर लिखना आप स्कोर जरूर लिखना अटेंडेंस मार्क कर देना एंड फीडबैक शेयर कर देना भाई पूरी की पूरी ठीक है थीके? जो भी आ, मतलब फीडबैक आज के सेशन की शेयर नहीं करनी है आपको ना पिछले जो भी हमने आज तक किया है आई थिंक सितंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर का कुछ पार्ट तो जो भी तीन महीने में एफर्ट मैंने लगाए आप लोगों के लिए आपको उसकी फीडबैक शेयर करनी है ठीक है उन एफर्ट्स के अंदर उन एफर्ट्स के अंदर क्या-क्या आएगा 2013 से 23 तक का पेपर देखोगे बस एक 1 मिनट हां बस 2013 से 23 तक का पेपर देन उसके बाद आ, सारे के सारे टेस्ट जो हमने कवर किए थे एंड लास्ट में जो हमने मैराथन किए हैं ठीक है बस ये करना है ठीक है सो थैंक यू वेरी मच गुड बाय टेक केयर एंड मिलते हैं कल एनालिसिस पे 8 बजे ठीक है थैंक यू वेरी मच गुड बाय एंड टेक केयर ये रहा होमवर्क क्वेश्चन आंसर देना है